नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल अप्रेंटिसशिप इंडिया अड्डा में। दोस्तों, मिधानी में एक नई रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन आउट किया गया है, जिसमें ITI डिप्लोमा ग्रेजुएट कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बारे में पूरा डिटेल वाइज चर्चा करने वाले हैं। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अप्लीकेशन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या रखा गया, यानी दोस्तों आप जानते होंगे मिधानी यानी मिश्र धातु निगम लिमिटेड ये टोटली लीड करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है। इसके बारे में पूरा डिटेल वाइज चर्चा करने वाले हैं। इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया, कौन कौन से कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, एज लिमिट क्या है, इसके बारे में पूरा डिटेल वाइज चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों आपको बता दें, क्योंकि जैसे ये मिधानी जैसे बेल सेल ये सब आते हैं, ये सब भारत सरकार के PSU हैं, जो इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी निकलती है ITI वाले बच्चों के लिए। यहाँ से कभी भी जब भी आपको मौका मिले तो आप यहाँ से ज़रूर अप्रेंटिसशिप करें, या आपको कंट्रैक्ट कैजुअल बेस पर जो रिक्रूटमेंट आती है इसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट देखने को मिलता है। इस वजह से आप अगर यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेगी नेक्स्ट जो रिक्रूटमेंट आने वाली है। क्योंकि इसके पहले जो PM मोदी के 10 लाख रोजगार देने की बात कही गई है, उसमें ऐसे PSU के बारे में भी चर्चा की गई, जहां जो PSU टोटली सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अधीन होते हैं, इसमें भी आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिलता है। तो बिना देर किए होते दोस्तों हम आते हैं जो मिधानी मिश्र धातु निगम लिमिटेड की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट किया गया है, इसके बारे में पूरा डिटेल वाइज देखने वाले हैं। तो अगर आप अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। दोस्तों फाइनली हम आ गए जो मिधानी की ऑफिशियल वेबसाइट है। आप यहाँ पर इस वेबसाइट पर आएंगे तो आपको यहाँ पर मिधानी मिश्र धातु निगम लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको ये देखने को मिलेगा। यहीं पर आपको एक करियर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। होम पेज पर आएंगे तो यहाँ पर होम देखने को मिलेगा, अबाउट मिलेगा, तो यहीं पर आपको करियर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। जैसे इस करियर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको एक दूसरे पेज पर रीडायरेक्टरी कर ले जाएगा। आप यहां पर देखेंगे तो यहीं पर आपको एक नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया है, जो यहां पर रिक्रूटमेंट सेक्शन पर देखेंगे, ई रिक्रूटमेंट यहां पर देखेंगे तो आपको यहां पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर ही वॉक इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। यहाँ पर देख सकते हैं पहले पर ये अप्रेंटिसशिप जो मेला है वो आपका जो ग्रेजुएट हुआ टेक्नीशियन होते हैं यानी डिग्री डिप्लोमा के लिए यहाँ पर निकाला गया। दूसरा आपका जो निकाला गया है वो अप्रेंटिसशिप मेला है, एंगेजमेंट ITI ट्रेड अप्रेंटिसशिप के लिए है। यहाँ पर ये नोटिफिकेशन जो इसका यहाँ पर दिया गया है वो इसका जो बताया गया 10/11/2022 को आपका लास्ट डेट है, और यहाँ पर इसका भी यहाँ पर 14/11/2022 रखा गया है। यहाँ से क्लिक करके आप दोनों का डिग्री डिप्लोमा वाले नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से ITI वाले कैंडिडेट डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से मैंने नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है, इसके बारे में डिटेल वाइज चर्चा करने वाले हैं। इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो आप यहाँ पर पहले देख सकते हैं, मैंने ये ITI वालों के लिए यहाँ पर डाउनलोड किया है। तो ITI वालों के लिए जो यहाँ पर लगाए गए वो देख सकते हैं, मिश्र धातु निगम लिमिटेड ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेस है, यानी ये मिनीरत्न कंपनी है, ये जो निकाली गई कंचन बाग हैदराबाद से निकाला गया है। ये यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो अप्रेंटिसशिप मेला लगने वाला है, ये यहाँ पर बता के ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से टोटली लीड करती है। ये यहाँ पर पूरा यहाँ पर डिटेल वाइज चर्चा की गई है। ये यहाँ पर जैसे देखेंगे तो आपको यहाँ पर एटॉमिक एनर्जी में भी इसका बहुत सारे वर्क सेक्टर में ये काम करती है, और डिफेंस में, स्पेस में, ये सब पूरा इनका बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में इनका प्रोडक्ट बनता है। ये यहाँ पर जैसे देख सकते हैं जो टोटल 100 वैकेंसी आउट की गई है ITI वालों के लिए। यहाँ पर अलग अलग ट्रेड वालों के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट निकाली गई है। जैसे फिटर में बात करें तो यहाँ पर 35 पोस्ट है, और इलेक्ट्रीशियन में यहाँ 25 है, मशीनिस्ट में बात करें तो 10 है, टर्नर में 10 है, और डीजल मैकेनिक में 3 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट निकाली गई है, और AC मैकेनिक्स में 2 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट निकाली गई है, और वेल्डर में 15 पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई है। और यहाँ पर जो रिजर्वेशन दिया गया है वो एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल के हिसाब से आपको सीटें रिजर्वेशन देखने को मिलेगा। UREWS OBC SC ST कैंडिडेट को अलग अलग सीटें पर रिजर्वेशन देखने को मिलेगी। ये आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा ये आपको रोजगार मेला के जरिए होगा। ये रोजगार मेला 14/11/2022 को आपको गवर्नमेंट ITI यहाँ पर मालेपल्ली में लगाया जा रहा है, मालेपल्ली हैदराबाद में यहाँ पर मेंशन किया गया है। गवर्नमेंट ITI मालेपल्ली हैदराबाद में आपको जाना है, वहाँ पर ही आपको का जो कैंपस प्लेसमेंट किया जा रहा है वहीं से आपको सिलेक्ट किया जाएगा। और यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन होगा वो यहाँ पर बताया गया है, आपका जो
सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो आईटीआई और दसवीं के मेरिट के आधार पर होगा, परसेंटेज के आधार पर इन्होंने मेंशन किया है। इसके बाद आपका जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए, और यहाँ पर आईटीआई जो होना चाहिए आपका एनसीबीटी से होगा, तभी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसका नोटिफिकेशन 1/11/2022 को यहाँ पर पब्लिश किया गया था। ये आपका नोटिफिकेशन है, और नोटिफिकेशन नंबर यहाँ पर मेंशन किया गया है जनरल मैनेजर के द्वारा, यहाँ पर मेंशन पब्लिश किया गया नोटिस, ये देख सकते हैं। अब बात करते हैं जो आईटी डिग्री डिप्लोमा वालों के लिए नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर भी ये आप देखते हैं मिश्र धातु निगम लिमिटेड, ये टोटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेस से लीड करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से ये है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कंचन बाग हैदराबाद की जो इसका प्लांट है वहाँ से निकाली गई, आपकी पोस्टिंग है हैदराबाद में होगी। दोनों जो आईटीआई वालों के लिए है या डिप्लोमा ग्रेजुएट कैंडिडेट सभी को पोस्टिंग जो होगी हैदराबाद में होगी, यहाँ पर मेंशन किया है आपको ट्रेनिंग के लिए। तो यहाँ पर एंगेजमेंट ग्रेजुएट और टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए रिक्वायरमेंट निकाला गया, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अप्रेंटिसशिप मेला के जरिए आपका सिलेक्शन होने वाला है यहाँ पर। और यहाँ पर जो बताया गया है जैसे आपके ब्रांचेस के जो आपका यहाँ पर ब्रांचेस लिखा गया है वो आपके मेट्रोलॉजी में होगी, यानी जो मिश्र धातु से होते हैं मेटल से संबंधित उनके लिए ग्रेजुएट के लिए 6 पोस्ट है, और टेक्नीशियन यानी डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 3 पोस्ट पर निकाला गया, और मैकेनिकल में निकाला गया 6 पोस्ट, और 3 पोस्ट टेक्नीशियन में जो डिप्लोमा कैंडिडेट हैं उनके लिए निकाला गया है। और यहाँ पर इलेक्ट्रिकल यानी ईई जो ट्रिपल ई होता है वहाँ पर 4 पोस्ट ग्रेजुएट के लिए निकाला गया, और 3 पोस्ट आपका टेक्नीशियन यानी डिप्लोमा के लिए निकाला गया है। और यहाँ पर सिविल के लिए यहाँ पर बताया गया 2 पोस्ट है जो ग्रेजुएट में है, और डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए यहाँ पर सीट नहीं है। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन आईटी सेक्टर में निकाली गई है वो जो यहाँ पर ब्रांच है वो 2 सीट है ग्रेजुएट के लिए है, और डिप्लोमा के लिए कोई सीट नहीं है। और यहाँ का कमर्शियल कंप्यूटर प्रेस्टी के लिए जो सीट निकाली गई है वो ग्रेजुएट के लिए नहीं है, केवल डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए है टेक्नीशियन पोस्ट पर। और टोटल वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर ग्रेजुएट के लिए 20 पोस्ट है, और टेक्नीशियन यानी डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए 15 पोस्ट पर रिक्वायरमेंट का नोटिफिकेशन आउट किया गया है। यहाँ पर स्टेपेंड की बात करें तो यहाँ पर स्टेपेंड जो मेंशन किया गया है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पर 9,000 रुपया आप पर मंथ आपको मिलेगा ग्रेजुएट कैंडिडेट को, और टेक्नीशियन के लिए 8,000 पर मंथ आपको देखने को मिलेगा। और आपका यहाँ पर जो रोजगार मेला लगाया गया है वो 10/11/2022 को आपका नवाब शाह आलम खान कॉलेज इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यहाँ पर जो मेंशन किया गया है NASAKCTC यानी यहाँ पर न्यू हैदराबाद में ये निकाला गया, न्यू मलकेप हैदराबाद में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर इस कॉलेज में जाएंगे तो आपको वहीं पर आपका कैंपस प्लेसमेंट के जरिए आपका सिलेक्शन होने वाला है। और यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसेस इन्होंने बताया है वो आपका भी सिलेक्शन प्रोसेस मेरिट बेस पे ही होगा। यहाँ पर अलग अलग सीटें का रिजर्वेशन दिखाया गया है, हर सीटों का कितना रिजर्वेशन है ये चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई, आप रिजर्वेशन देख सकते हैं। डिप्लोमा और ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए यहाँ पर मेंशन किया गया है, आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद नीचे यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर भी मेंशन किया गया है, वो आपका मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड होगा वो अप्रेंटिस रूल 1992 के आधार पर होगा, जो समय समय पर जो अमेंडमेंट किए गए हैं एक्ट में उसके अनुसार आपको देखने को मिलेगा। आपकी अप्रेंटिसशिप ड्यूरेशन जो होगी 1 ईयर की होगी, ये चीज़ें मेंशन किए गए। आपके ट्रेनिंग एक्सपीरियंस आपको अप्रेंटिस एक्ट 1973 के तहत 1 ईयर को आपको देखने पर, आपका सिलेक्शन आपका SSC और प्लस आपके अगर आप ग्रेजुएट हैं तो ग्रेजुएट के, और अगर आप डिप्लोमा तो डिप्लोमा, दोनों का एवरेज परसेंटेज के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। प्लस आपको मेडिकल फिटनेस भी आपको अपने ट्रेड के अनुसार फिट होना चाहिए ब्रांच के अनुसार। इसके बाद आपको जो आपका अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन होगा वो बूट पोर्टल पर होगा, यानी बोर्ड ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनिंग जो होता है उसके आधार पर आपको वहाँ पर पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके प्रिंटआउट भी लेके वहाँ पर जाना होगा। इसके बाद आपका आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है, आपको कोई भी क्वेरी है तो आप यहाँ पर ये जो इनका मेल आईडी दिया है इस पर मेल कर सकते हैं, और आपको कोई TADA वगैरह नहीं दिया जाएगा, ये सब चीज़ें मेंशन किए गए हैं। और आपका जो यहाँ पर सिलेक्शन के बारे में इन्होंने बता ही दिया है आपका जो मेरिट बेस पे होगा। इसके बाद यहाँ पर मेंशन किया गया है आपका कोई भी क्वेरी जो है तो आप यहाँ पर इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो बेहिचक आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, टोटली आपकी हेल्प और रिप्लाई की जाएगी। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या टेलीग्राम से जुड़ के आपको वहाँ पर टेलीग्राम से या PDF आपको मिल जाएगा वहाँ पर। धन्यवाद, कीप एंड टच।